ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज है अव्यक्त मुरली 221। महारथी पन के लक्षण, ये बाबा ने मुरली सुनाई थी 16 मई 1974। 16 मई 1974। रूहानी बच्चों के सहयोगी बनकर उनकी हिम्मत और उल्लास को बढ़ाने वाले सर्व प्रकार के बंधन व वैभव के आकर्षण से परे रहने वाले और सदा एक रस स्थिति में रहने वाले निष्काम सेवी शिव बाबा बोले। इस समय सबके अंदर सुनने की इच्छा है, इच्छा सुनने की या समान बनने की इच्छा है? कौन सी इच्छा है? सुनने के बाद हर बात समानी से समान बन जाती है। सुनने के बाद हर बात को समानी से समान बन जाते हैं और समानी से सामना करने की शक्ति स्वयं ही आ जाती है। सामना करने की शक्ति से सर्व कामनाओं से स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्यों? सोचो जरा। सामना करने की शक्ति से, क्योंकि हमारी जब कुछ लेने की इच्छा ही नहीं है, प्राप्ति हो रही है। सामना करना, तो उसके बाद हम सामना कर रहे हैं किसी सिचुएशन का, क्योंकि हमें डर नहीं है, इच्छा नहीं है। पहले समाएंगे, देखो फिर सुनने के बाद हर बात समाने से, हर बात को कोई कुछ भी कहे, कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम उसे समा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। यह है समाना। उसके ऊपर हमारे संकल्प नहीं चलेंगे। तो चाहे जिसने जैसा भी किया, अच्छा किया बुरा किया, हमने उसको समा दिया। क्योंकि अच्छा किया हमने उसके करेंगे तो भी वेस्ट है ना। तो जब हम समा देंगे तो बाप समान बन जाते हैं और समाने से सामना करने की शक्ति आती है। बाबा भी क्या करता है, बच्चे दुनिया में, सारी दुनिया में क्या 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 कर रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग तो बाबा को गाले देते, बाबा ये क्या कर दिया मेरे साथ, कुछ भी कर रहे हैं। वही तो, बाबा सब कुछ क्या कर देता है, समा देता है, खत्म। सोचता भी नहीं एक सेकंड भी। तो पहले तो हमें बाप समान बनना है, सोचना ही नहीं है एक सेकंड भी। जो हुआ अच्छा हुआ, खत्म। अब उसके बाद बाबा कहते कि सामना करने से, सामना करने की शक्ति आ जाएगी। समाने से, जब आप समाने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी तो सामना करने की शक्ति स्वयं ही आ जाती है। फिर कोई भी दुख आपके लिए है ही नहीं। आपने हर बात को क्या कर दिया, समा दिया, तो सामना हो गया ना। फिर कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई नहीं, सब कुछ ठीक। तो सामना करने की शक्ति आ जाती है सहजी। और सामना करने की शक्ति से, जब हम सामना करने की शक्ति हमारे अंदर आ गई, से सर्व कामनाओं से स्वतः ही मुक्त। जब उन्हें सब कुछ सामना कर लिया, हमें कोई जरूरत नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा ही नहीं। मैं कितना बड़ा दुख आया, कितना बड़ा सुख आया, हमने उसको सामना कर लिया ना। अब हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ ना। जब उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ तो हमारी सारी कामनाएं खत्म, कोई कामनाएं नहीं। हमारी कोई कामना ही नहीं। माया भी तभी, माया भी तभी।
लिंक है, तो हमें समाया स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या ऐसे अपने को मुक्त आत्मा अनुभव करते हो? किसी भी प्रकार का बंधन अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता? बंधन मुक्त ही योग युक्त हो सकता। जो बंधन मुक्त होगा वही योग युक्त हो सकता है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई बंधन हमें रोके नहीं। मुझे दादी जानकी की और जयंती बहन की बात याद आती है, गुलजार दादी के बारे में बता रही थी, सुनाई होगी पहले भी, कि टिकट जो है नहीं हुई, टिकट कैंसिल हो गई। हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और प्लेन कैंसिल हो गया या टिकट कैंसिल हो गई और हमें दूसरे देश जाना है। अब जो भाई बहन वहां छोड़ने के लिए गए हुए हैं वो प्लेटफार्म पर जहां भी बैठे हैं वहां बैठे, क्योंकि अंदर एंट्री तो तभी होगी जब टिकट होगी। तब हम दादी अपना उनके साथ क्लास करने में, प्रश्न उत्तर के जवाब देने में मस्त, गुलजार दादी है नी। हमने दादी को बताया कि टिकट जो है ना कैंसिल होगी, आप वेट करो, दूसरी टिकट बनेगी, प्लेन बनेगा। हम जो है ना भाग रहे इधर से उधर, उधर से इधर, कहां से करे, क्या करे, कैसे करे, कितना टाइम लगेगा। और हम जब भी देखने जाएंगे दादी मस्त, उसको कोई मतलब नहीं, कोई बंधन नहीं है ना। और हम इतना बंधन में फंसे हुए हैं कि दादी निश्चिंत होकर भाई बहनों की क्लास करा रही है। मतलब कहने का यह है, जहां है ठीक है, गाड़ी हवाई जहाज आएगा, टिकट आएगी, बैठना होगा बैठकर चले जाएंगे, नहीं बैठना होगा तो घर जाना होगा तो घर चले जाएंगे। उन्हें किसी प्रकार का, वरना दिमाग खराब हो जाता है, मैंने तो वहां मूड बना रखा था जाने का, मायके जाना था, आज पति देव ने रोक दिया, मेरा दिमाग ही खराब हो गया, मैं अब कोई काम नहीं करूंगी। हाँ जी, हाँ, मतलब ऐसे वो पता है ना, टाइम भी ऐसा था उस टाइम ना, दिमाग नहीं लगाते थे। जैसे अब हम अपनी मम्मियों के भी सुनते हैं अनुभव, जैसे हमारी मम्मी बोलते हैं हमारी 14-15 साल में शादी हो गई तो हम क्या सोचते थे, यहाँ भी दो रोटी खानी, वहां भी दो रोटी खा लेंगे, कोई वो नहीं भाई, शादी जल्दी हो रही है कुछ, तो उस टाइम और अब की ना वैसे चेंज नहीं। मतलब जो भी हो, मतलब मेरा सिर्फ कहने का ये कि हम अपनी इच्छा बना लेते हैं, मुझे उस प्रोग्राम में जाना था, उनसे मिलना था, वो करना था, लेट हो गया, मिस हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ले जाओगे तो चल देंगे। मतलब ये देखिए, ये तो पता है ना उनको कि हमें कहाँ, हमें कहीं जाना है, उनको लेके तो एयरपोर्ट उसी हिसाब से गए, वो प्लेन चेंज हो गया या कोई टाइम चेंज हो गया, कुछ और क्या हो गया, अब वहां पर जाना है, दूसरी टिकट करानी है, दूसरी टिकट कराने का प्लानिंग करने का, बैठने का, दूसरा टिकट चेंज करने का, जो भी है उस प्रोसेस में वो भाग दौड़ कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये बात समझने वाली है कि बंधन मुक्त, बंधन हो जाता है, बंधन मुक्त ही योग युक्त हो सकता है। बाबा की श्रीमत पर चल ही तब सकता है जब बंधन मुक्त होगा, कि बंधन ही एक लेना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति या वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकता। अब उस टाइम ये हो जाए कि अब नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, फिर वो क्लास नहीं करा सकते, फिर कहेंगे जरा बैठो, जरा सोचने तो क्या करें, वो सोचने का काम वो करेंगे, हमारे को क्या करना है। किसी के भी वश होते समय उस आत्मा के प्रति यही शब्द कहा जाता है कि ये वशीभूत, ये मजबूर है, ये वशीभूत है। वशीभूत होना ये भी पंच भूतों के साथ रॉयल रूप का भूत है, ये भी पांच भूतों के साथ रॉयल रूप का भूत है। जैसे पांचों तत्वों को भी भूत कहा गया, पांच तत्वों भूत को,
पास्ट भी कहते हैं, भूत को तत्व भी कहते हैं। ये कारण, तत्व को भूत क्यों कहा थे नहीं, मतलब ये जो है ना क्या है कि हमेशा थे, हैं और रहेंगे, केवल इनका रूप बदलता रहता है। नहीं, वो भूत अलग है, भूत का पर्यायवाची तत्व के रूप में लिया है, बाकी ऐसा कोई नहीं है कि ये भी वो जो है ना बीत गया, तो क्योंकि भूतकाल में भी थे ये तत्व, तो हमेशा थे, हैं और रहेंगे। बाकी इसको भूत कहा जाता है, पंचभूत, पांच तत्वों को भूत डिक्शनरी में कह दिया, तो इसलिए चल रहा है। जैसे भूतों की प्रवेशता से अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना कर्तव्य और अपनी शक्ति भूल जाती है, अपना स्वभाव भूल जाता है, अपना कर्तव्य भूल जाता है, अपनी शक्ति भूल जाती है। ये जो बातें है ना, ये भूत सिद्ध करती है। मतलब जैसे क्या होता है कि कोई भूत किसी में घुस जाए तो वो फिर अपने कंट्रोल में नहीं रहता, तो हम आत्मा भी इन पांच तत्वों के, पांचों भूतों के चक्कर में आए तो हम अपने आप को विस्मृत कर दिया। नहीं, अब ये यहाँ ये बाबा, ये बातें जो है ना बाबा की स्पष्ट कर रही हैं, भूत क्यों कहा जा रहा है उसको। बाबा कहते जब वो भूत प्रवेश करता है, कोई आत्मा किसी में प्रवेश करती है, वो हावी हो गई, जिसके कारण वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, जिसके कारण वो भूत था, वो भूत थी जो आए थे, हाँ आने वाली वशीभूत हो गई। हम आत्मा भी इन पांच तत्वों के वशीभूत हो गए, जिसके वशीभूत हो गए उसको भूत कहा। मतलब ये जो अब की बात दिखाई दे रही है, मतलब यहां पर उस हिसाब से कि अपना स्वभाव, अपना कर्तव्य, अपनी शक्ति को भूल जाती है, तो हम जिसके वशीभूत हुए है नहीं, इसलिए उनको भूत कहा। वैसे ही किसी बात के वशीभूत होने से यही रूपरेखा बनती है। वशीकरण मंत्र देने वाले कभी भी वशीभूत नहीं हो सकते, वशीकरण मंत्र देने वाले कभी भी वशीभूत नहीं हो सकते। तो आप ये चेक करो कि कहीं वशीभूत तो नहीं हो, आप दुनिया को वशीकरण मंत्र देने वाले हो। कौन सा है वशीकरण मंत्र? आजकल बाप दादा विशेष कार्यक्रम में बिजी रहते हैं, वे कौन सा कार्य होगा, वे कौन सा कार्य होगा? आजकल बाप दादा विशेष कार्यक्रम में बिजी रहते हैं, कोई भी कार्य में बाप के साथ बच्चों का संबंध होगा ना, तो अपने से संबंधित कार्यक्रम को नहीं जानते हो। अमृत वेले जब बाप से गुड मॉर्निंग व रू रिहान करने आते हो तो उस समय अनुभव नहीं करते हो, या उस समय लेने में ही ज्यादा बिजी रहते हो? क्या टच होता है? वर्तमान समय समाप्ति का समय समीप आ रहा है, वर्तमान समय समाप्ति का समय समीप आ रहा है। समाप्ति में लास्ट और फास्ट दोनों का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होता है। बाप दादा हर राज, हर रोज है या राज लिखा हुआ, बाप दादा हर रोज हर एक की सेटिंग और फिटिंग, ये दोनों ही बातें देखते हैं। कोई कोई अपने आप को सेट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिटिंग ठीक ना होने कारण सेटिंग भी ठीक नहीं होती। फिटिंग क्या और सेटिंग क्या, ये तो आप जानते हो ना। ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने आप को चलाना, ये ईश्वरीय मर्यादाएं हैं फिटिंग। ईश्वरीय
मर्यादाओं के अनुसार अपने आप को चलाना, ये है फिटिंग। इन मर्यादाओं के आधार से स्थिति की सेटिंग होती है, हमारी स्थिति की सेटिंग होती है। बाप दादा जब नंबर वार महावीरों को देखते हैं व महारथियों के महारथी सेट की सेटिंग करते हैं तो क्या देखते हैं? कोई ना कोई बात की व मर्यादा की फिटिंग ना होने के कारण सीट पर सेट नहीं हो सकते, सीट पर सेट नहीं हो सकते, क्योंकि मर्यादा की फिटिंग नहीं है तो सीट पर सेट नहीं हो सकते। अभी अभी सीट पर हैं और अभी अभी सीट की बजाय कोई ना कोई साइट पर दिखाई पड़ते, किसी और दृश्य में फंसे पड़े, तो बाप दादा इस कार्य में बिजी रहते हैं। उम्मीदवार दिखाई बहुत देते हैं और लाइन भी बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन प्रमाण स्वरूप कोई कोई होते हैं। उम्मीदवार बनने के लिए मुख्य कौन सा पुरुषार्थ है? है बहुत सहज पुरुषार्थ, लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण सहज को मुश्किल बना देते हैं, सहज को मुश्किल बना देते हैं। उम्मीदवार बनने का सहज पुरुषार्थ यही है कि हर बात में बाप की जो बच्चों के प्रति उम्मीद है, वे बाप की उम्मीद पूरी करना ही उम्मीदवार बनना है। जब बाप दादा की उम्मीद पूरी करेंगे उम्मीदवार बन जाएंगे। और उम्मीद किसकी पूरी करनी है? बाप की। बाप की उम्मीद पूरी करोगे तो उम्मीदवार बनेंगे। हाँ, बाप की उम्मीद पूरी करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है क्या? बच्चे का जन्म होता ही है बाप की उम्मीदें पूरी करने के लिए, ऐसे होता है। बच्चे को का अपने जीवन का लक्ष्य ही यही होता है, बाप की उम्मीदें पूरी करना। उल्टा है, हाँ मैं वही देख रहा हूँ। पापा कहाँ बात कर रहा है ये? नहीं मतलब आजकल माँ बाप सोते हैं, बच्चे की उम्मीदें पूरी करो, जो बच्चा चाहता है वही करो। और पहले जमाना रहा होगा कि बच्चे बाप की उम्मीदें पूरी करें। इसको ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है सन शोज फादर, बच्चे बाप का नाम बाला करें। कहते हैं तो ऐसा उम्मीदवार बनना आपके ब्राह्मण जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जबकि बाप दादा एक कदम के पीछे लाखों कदम स्वयं भी सहयोगी बनकर हिम्मत और उल्लास बढ़ाते हैं, फिर मुश्किल क्यों? जबकि दुनिया की सर्व मुश्किलातों को आप स्वयं ही मिटाने वाले हो, मुश्किल बात सहज अनुभव कराने वाले हो, ऐसे अनुभवी मूर्त के लिए कोई भी बात मुश्किल है? ऐसा सोच भी नहीं सकते। प्यादों का अनुभव मुश्किल जानना ठीक है, जो प्यादे हैं उनका अनुभव मुश्किल जानना ठीक है, लेकिन अभी अपने को किसी ना किसी बात में एक दो से कम नहीं समझते, अर्थात कोई प्रकार से अपने को महारथी समझते हो। लास्ट वाले भी लास्ट इज फास्ट का लक्ष्य रखते हैं कि हम भी आगे जाएं, महारथी बने। तो महारथी हुए ना, किसी भी बात में अपने को किसी के आगे झुकाना व अपनी कमजोरी महसूस करना अच्छा नहीं समझते। अपने को प्रसिद्ध करने के लिए हर बात को सिद्ध करते हो तो इसको क्या कहा जाएगा? अपने को प्यादा समझते हो या किसी ना किसी रूप में महारथी समझते हो? सिद्धि करने वाला कभी भी सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। वास्तव में प्रसिद्ध होने वाला कोई भी बात को सिद्ध नहीं करेगा, अर्थात सिद्ध अर्थात जिद करने वाला ऐसा कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता।
जिद करने वाला कभी सिद्धि को पा नहीं सकता। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित निर्माण हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक बनावेगा। लक्ष्य रखते हो प्रसिद्ध होने का और पुरुषार्थ करते हो दूर होने का, तो ऐसी चेकिंग अपनी करो। चेकिंग, हाँ जी, दूर होने वाला हटना बाबा से, लक्ष्य फिटिंग, हाँ फिटिंग में नहीं आ रहे, मतलब सिर्फ अपने आप को सिद्ध करते हैं, नियमों पर चलते नहीं है, फिटिंग नहीं करते, मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, तो फिटिंग नहीं हुई तो दूर होंगे। ऐसी चेकिंग अपनी करो। चेकिंग भी महीन चाहिए। महारथी को कोई बात मुश्किल अनुभव हो, वे महारथी ही नहीं। महारथी अपने सहयोग से और बाप के सहयोग से औरों की मुश्किल भी सहज करेंगे। महारथियों के संकल्प में भी कभी ये कैसे, ऐसे क्यों, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। ये प्रश्न नहीं उठ सकता कैसे के बजाय ऐसे शब्द आएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हो ना। इन बातों को चेक करो, कैसे करूं, कैसे होगा, ये ना स्वयं प्रति ना दूसरों के प्रति चले। कैसे वाला क्वेश्चन क्वेश्चन उठे ही नहीं, दोनों ही रूप में प्रश्न समाप्त। ऐसा ही सदा प्रसन्न चित्त व हर्षित रहता है। अब समझा महारथी के लक्षण क्या है, करने में काम नहीं, जब एक दो के संपर्क में आते हैं तो एक दो से स्वयं को काम नहीं समझते, काम नहीं समझते। समझने में हरेक अपने को अथॉरिटी समझते हैं, हा और अपना हक रखते हैं। समझने और करने, इन दोनों में हकदार बनो, तब ही विश्व के इस ईश्वरीय परिवार की प्रशंसा के हकदार बनेंगे। कोई भी बात के मांगने वाले मांगता नहीं बनो, दाता बनो। मान शान प्रशंसा बड़ापन आदि मांगने की इच्छा मत करो। मान शान प्रशंसा मांगेंगे तो जैसे आज कल के मांगने वाले को कोई भी प्राप्ति नहीं कराते और ही दूर से उसे भगावेंगे, इस प्रकार ये रॉयल मांगने वाले स्वयं को सर्वात्माओं से स्वतः ही दूर करते, अपने आप ही दूर करते। ऐसा महारथी सीट पर सेट नहीं होता। इसलिए अब आप सभी महारथी हो, घोड़े सवार व प्यादों को समय गया, प्यादों का समय गया, घोड़े सवारों का समय गया, अब तो महारथी आ गया हो। अब हर महारथी को अपने महारथी पन के लक्षण सामने रखते हुए स्वयं में समाने हैं। अच्छा, ऐसे सर्व इच्छाओं को समाने वाले, सर्व इच्छाओं को समाने वाले बाप समान सर्व शक्तियों के अथॉरिटी सदा एक लगन एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, एक बल एक भरोसा सदा एकाग्र एकांत निवासी अंतर्मुखी और बाप दादा के उम्मीदों के सितारों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 921310698 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650
6922270 पर केवल व्हाट्सएप करें हो नहीं। ओम शांति।